हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिजिनल डिस्प्ले और डुप्लीकेट डिस्प्ले के बारे में। देखिए, ओरिजिनल डिस्प्ले आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी आपका मोबाइल ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ रहता है, अगर आपने कभी भी डिस्प्ले चेंज नहीं किया, आपका मोबाइल अगर एक दो बार हाथ से गिर भी जाए तो इतना जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन अगर आपने कभी भी मोबाइल का डिस्प्ले चेंज किया है और डुप्लीकेट डाला है और उसके बाद अगर आपका मोबाइल हाथ से गिरा होगा तो आप अच्छी तरह जानते हैं, खाली हल्का सा कहीं पर भी थोड़ा सा अगर लग जाता है तो एक्चुअली में मोबाइल का डिस्प्ले टूट जाता है। तो एक्चुअली में ये चीज़ क्यों होता है, आज हम अच्छा से देखेंगे, क्योंकि हम आज ओरिजिनल और डुप्लीकेट डिस्प्ले में कंपेयर करेंगे और दोनों को बेंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं आपका और हमारा YouTube चैनल अनोखा टेक्निक। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और घंटी को दबाना एकदम मत भूलना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ये जो है Redmi का ओरिजिनल डिस्प्ले है, देख सकते हैं आप, ये जो है Redmi का ओरिजिनल डिस्प्ले है और इसको हम बेंड टेस्ट करके देखेंगे। और ये जो है Vivo का डुप्लीकेट डिस्प्ले है, आपको दिख रहा होगा, और इसको हम बेंड टेस्ट करके देखेंगे कि एक्चुअली में क्यों इतना जल्दी डुप्लीकेट डिस्प्ले टूट जाता है, कितना टेम्पर है डुप्लीकेट डिस्प्ले में और कितना टेम्पर है ओरिजिनल डिस्प्ले में, हम इसको दोनों को बेंड टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डुप्लीकेट को तोड़ के देखते हैं, डुप्लीकेट को बेंड टेस्ट करके देखते हैं कि एक्चुअली में कितना बेंड करने के बाद ये वाला मोबाइल का डिस्प्ले जो है टूटता है। देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूं, लाइव कर रहा हूं, आप देख लिया क्या हुआ। चलिए अभी ओरिजिनल का क्या करते हैं, यह है ओरिजिनल ओथा डुप्लीकेट। देखिए क्यों टूट गया, बता सकते हैं ओरिजिनल इतना जल्दी क्यों टूट गया। एक्चुअली में डुप्लीकेट में जो ग्लास रहता है वो एक्चुअली इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन ओरिजिनल में उसका ग्लास का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और इसीलिए ये इतना जल्दी बैंड नहीं, बैंड में जल्दी टूट जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर प्रेशर लगे, लेकिन देखिए इधर जो है मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, डुप्लीकेट डिस्प्ले का हालत देखिए और ओरिजिनल डिस्प्ले का हालत देखिए, आपका सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल डिस्प्ले का कुछ भी नहीं हुआ, ओनली फॉर फटा क्रैक हुआ, लेकिन डुप्लीकेट डिस्प्ले का टोटल पुर्जा निकल के चला गया। देखिए आपका सामने हुआ, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो इससे इधर से पता चलता है ओरिजिनल का ग्लास फ्लेक्सिबल अच्छा रहता है, लेकिन अच्छा इसमें मटेरियल नहीं आता है, जब भी टूटता है देखिए कैसे टोटल निकल जाता है। और लेकिन इधर ओरिजिनल जो है इसको हमने बेंड टेस्ट किया, जल्दी टूट गया, इतना फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, लेकिन टूटने के बाद भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसका हालत क्या हुआ। ठीक है, इसमें से कुछ निकला नहीं, कोई चीज इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ज़्यादा मतलब सहन नहीं कर पाया, टूट गया। लेकिन इधर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मैं इधर से भी बैंड करके दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन इसको अगर ओरिजिनल को हमें डुप्लीकेट को हम लोग बैंड करें, देखिए इसका हालत देखिए। तो एक्चुअली में यही होता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट के अंदर डिफरेंस। एक्चुअली में मैंने कभी भी इसका कंपेयर नहीं किया था, ये पहली बार है, आपका सामने है, लाइव कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप देख सकते हो और हालत आपका सामने है। एक्चुअली में देखिए इसका क्या हालत है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इसका क्या हालत है आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, ये बेंड टेस्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत मतलब डिस्प्ले को तोड़ना से लेकर डिस्प्ले को सब कुछ इसको अरेंज करने के लिए बहुत टाइम लगता है और उसके लिए हम आपको बोलेंगे, अगर आप हमारा फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो लेटेस्ट अच्छा अच्छा ऐसे ही वीडियो आएगा आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।